गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम सिविक्स के पार्ट चार नगर पालिका और नगर निगम को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, नगर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव एक ही दिन में अथवा अलग अलग चरणों में कराए जा सकते हैं, परंतु इनके परिणाम एक ही दिन में घोषित करना अनिवार्य है। नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव जो हैं वो एक ही दिन में या फिर अलग अलग चरणों में कराए जा सकते हैं। जैसे पहले चरण में नगर पंचायत का चुनाव हो जाए और दूसरे चरण में नगर पालिका का, परंतु जो इनके परिणाम निकलते हैं, जो इनके रिजल्ट निकलते हैं, उनका एक ही दिन में घोषित करना अनिवार्य होता है। चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को अपने चुनावी खर्च का पूरा लेखा जोखा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि खर्च की गई राशि निर्धारित राशि से अधिक है तो प्रत्याशी का चुनाव रद्द भी किया जा सकता है। देखिए बच्चों, जीतने वाले प्रत्याशी को अपना पूरा लेखा जोखा कि उसने चुनाव में कितने रुपए खर्च किए, कितना पैसा खर्च किया है, उसका पूरा विवरण आयुक्त के सामने, चुनाव आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि जीतने वाले प्रत्याशी ने निर्धारित राशि से अधिक राशि खर्च की होती है तो उसका जो चुनाव है वो रद्द भी किया जा सकता है। देखिए बच्चों, अब हम जानेंगे नगर पालिका का गठन किस प्रकार होता है। सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। मतलब कि सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अधिकतर उसी दल का अध्यक्ष बनता है जिस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती हो। इसके अतिरिक्त सभी सदस्य पार्षद या फिर सभासद कहलाते हैं। देखिए बच्चों, नगर पालिका के सदस्य मिलकर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अधिकतर जिस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती होती है उसी दल का अध्यक्ष बनता है। इसके अतिरिक्त सभी जो सदस्य होते हैं वो पार्षद या फिर सभासद कहलाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम जानेंगे नगर पालिका के कार्य। नगर पालिका कौन कौन से कार्य करती है। फर्स्ट देखिए बच्चों, नगर पालिका अपने नगर की सफाई का कार्य करवाती है, जिसके अंतर्गत गली मोहल्ले की नालियां एवं नाले साफ करवाना एवं एकत्र कूड़े का निस्तारण करवाना आता है। जो ये नगर पालिका है, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये अपने नगर की सफाई का कार्य करवाती है, अपने नगर को साफ करवाती है। जो गली मोहल्ले में जो नालियाँ होती है उनको साफ करवाती है, नालों को साफ करवाती है, और जो गली मोहल्ले की नालियाँ साफ होती हैं उससे जो कूड़ा निकलता है, जो लोग कूड़ा निकालने वाले आते हैं और जो कूड़ा निकाल कर साइड में रख जाते हैं, उसको दो तीन दिन बाद फिर कुछ लोग आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, ठीक है, उस कूड़े का निस्तारण भी करवाया जाता है। तो ये सब कार्य कौन करता है, नगर पालिका करती है। सेकंड देखिए बच्चों, ओवरहेड टैंकों का निर्माण करवाना, नगर में जल आपूर्ति के लिए पाइप बिछाना, नलकूप लगाना एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराना एवं जल आपूर्ति के लिए विद्युत व्यवस्था कराना भी नगर पालिका का ही कार्य होता है। देखिए बच्चों, ओवरहेड टैंकों का निर्माण करवाना, मतलब कि जिसमें बड़े बड़े टैंकों का निर्माण कराना, जिसके अंदर पानी स्टोर करके रखा जाता है, नगर में जल आपूर्ति के लिए, मतलब कि नगर के अंदर जल की पूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछवाना जिससे घर घर तक पानी पहुंच सके, नलकूप लगवाना, स्वच्छ पेयजल पीने लायक पानी की आपूर्ति कराना, ये सब किसका कार्य होता है, नगर पालिका का कार्य होता है। और जल आपूर्ति के लिए विद्युत की व्यवस्था करना, मतलब कि देखो बच्चों, जल के लिए जैसे हम मोटर का यूज़ करते हैं उसमें बिजली खर्च होती है, तो क्या होता है, मोटर से पानी के लिए बिजली की व्यवस्था कराना भी नगर पालिका का ही कार्य होता है। जैसे कि बच्चों, आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये जो पाइप से पानी आ रहा है वो किससे आ रहा है, ये बिजली के थ्रू आ रहा है, बिजली के थ्रू मोटर चल रही है और उससे पानी आ रहा है। नलके से ऐसा पानी आता है नहीं, नलके से ऐसा पानी नहीं आता है, जब बिजली से मोटर चलती है तभी ऐसा पानी आता है, ठीक है। थर्ड देखिए बच्चों, सड़कों की मरम्मत करवाना, गलियों में खड़ंजे एवं नालियों का निर्माण करवाना, जहां सड़कें पक्की नहीं हैं वहां पक्की सड़कें बनवाना, नालों के किनारे की दीवार बनवाना, ये सब कार्य कौन करता है,
नगर पालिका करती है। जहाँ जहाँ सड़कें खराब होती हैं वहाँ वहाँ सड़कों की मरम्मत करवाना, गलियों में खड़ंजे एवं नालियों का निर्माण करना। नालियों के निर्माण से क्या होता है, जो घरों का गंदा पानी होता है वो नालियों के थ्रू कहाँ जाता है, बड़े बड़े नालों में चला जाता है। ठीक है, मतलब कि गलियों में पानी एकत्र नहीं होता है, अगर नालियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा, पानी एकत्र हो जाएगा, है ना, फिर मच्छर आएंगे। तो जो नगर पालिका होती है वो नालियों का निर्माण कराती है जिससे घरों से निकलता हुआ गंदा पानी सीधा बड़े बड़े नालों में चला जाए। ठीक है, कहीं पर पानी ना भरे। जहाँ पर पक्की सड़क नहीं होती वहाँ पर नगर पालिका जो होती है वो पक्की सड़क बनवाती है। नालों के किनारे की दीवार बनवाना, देखो बच्चों जैसे जो बड़े बड़े नाले होते हैं उनके किनारे पर बड़ी बड़ी दीवारें बनवाती है नगर पालिका, जिससे कोई दुर्घटना ना हो सके, कोई भी व्यक्ति नाले के अंदर गिर ना सके। ठीक है, तो जो नगर पालिका होती है वो नालों के किनारे बड़ी बड़ी दीवारें भी बनवाती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सभी गली मोहल्ले एवं सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था के लिए खंभे लगवाना, उन पर ट्यूबलाइट या बल्ब लगाकर प्रकाश की व्यवस्था करना भी नगर पालिका का काम होता है। देखो बच्चों, जो गलियों के अंदर खंभों पर लाइटें लगी होती है उन्हें कौन लगवाता है, उन्हें गली वाले मिलकर लगवाते हैं? नहीं, उन्हें गली वाले मिलकर नहीं लगवाते, उन्हें नगर पालिका लगवाती है, ताकि क्या हो सके, गली में प्रकाश हो सके। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को परेशान ना होना पड़े। ठीक है, कोई भी चोरी चकोरी ना हो, इस वजह से क्या करती है नगर पालिका, गलियों में और मोहल्लों में खंभे लगवाकर उन पर ट्यूबलाइट या फिर लाइटें लगवाती है, बल्बें लगवाती है, ताकि सब में रोशनी हो सके। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो प्रकाश की व्यवस्था करना भी नगर पालिका के ही अंडर आता है, नगर पालिका के ही अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निःशुल्क चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी का संचालन करवाना एवं इनकी देखरेख करना। ठीक है, ये सब कौन करवाता है, नगर पालिका करवाती है। प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण एवं संचालन के साथ साथ पुस्तकालय का संचालन एवं देखरेख कौन करवाता है, नगर पालिका करवाती है। नगर पालिका निःशुल्क अस्पताल बनवाती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर अपना इलाज करा सकता है। स्वास्थ्य केंद्र बनवाती है, डिस्पेंसरियाँ बनवाती है जहाँ पर जो बीमार व्यक्ति होते हैं, ठीक है, मुफ्त में दवाई ले सकें, डॉक्टरों से चेकअप करवा सकें। और जो नगर पालिका होती है वो इनकी देखरेख भी करती है डिस्पेंसरी की, कि वहाँ पर डॉक्टर्स टाइम से आ रहे हैं या नहीं, लोगों का अच्छी प्रकार से चेकअप कर रहे हैं या नहीं, वहाँ पर कोई दवाइयाँ ख़त्म तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो जो नगर पालिका होती है वो इसका भी कार्य करती है। नगर पालिका प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराती है। ठीक है, देखो बच्चों, जो नगर पालिका होती है वो विद्यालयों का निर्माण भी कराती है जहाँ पर मुफ्त शिक्षा प्रदान कराई जाती है बच्चों को। ठीक है, इसका संचालन, इसके संचालन के साथ साथ पुस्तकालय का संचालन एवं देखरेख भी जो होती है वो नगर पालिका करती है। नगर पालिका देखती है कि विद्यालय के अंदर बच्चों को जो कॉपी किताबें मिलती हैं वो सब वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, कहीं पर किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही, डेस्कों की कमी है या नहीं। ठीक है, पानी की व्यवस्था देखना, स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, पानी की व्यवस्था देखना, सफाई की व्यवस्था देखना। ठीक है, तो ये सब कार्य वो क्या कर कौन करती है, नगर पालिका करवाती है, और साथ में पुस्तकालय का संचालन एवं देखरेख भी करती है। सेवन्थ है बच्चों, पार्कों का निर्माण करवाना एवं उनकी देखरेख करना। ठीक है, देखो बच्चों, पार्कों के अंदर सबसे मेन क्या होता है, वहाँ की घास और पेड़ पौधे, इन्हीं चीज़ों से तो पार्क बनता है। ठीक है, तो जो नगर पालिका होती है वो क्या करती है, पार्कों का निर्माण भी करवाती है। ठीक है, पार्कों में और उनकी देखरेख भी करती है, माली को भी लगवाती है। ठीक है, जिससे माली क्या हो सके, घास को लगा सके, पेड़ पौधों की देखभाल कर सके, उनमें पानी दे सके। और ये पार्क किसके लिए बनाए जाते हैं, ये पार्क हम ही लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम पार्क में जा सकें और हम जो है शुद्ध वायु ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो नगर पालिका जो होती है वो पार्कों का निर्माण भी करवाती है और उसकी देखरेख भी करवाती है। 8th देखिए बच्चों, मेले एवं प्रदर्शनी लगवाना एवं इनमें प्रकाश एवं सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था भी जो होती है ना नगर पालिका, वही देखरेख करती है इसकी। देखो बेटा,
एक महीना ऐसा आता है जिसमें हमारे पास, हमारे स्कूल के पास ही मेला लगता है, ठीक है, जो यहाँ पर पास ही खेत है उसमें मेला लगता है। उसके अंदर जो बड़े बड़े झूले होते हैं जो कि बिजली से चलते हैं, ठीक है, हर टाइम प्रकाश रहता है, तो वो कौन करता है, ये मेले कौन लगवाता है, प्रदर्शनी कौन लगवाता है, ये नगर पालिका लगवाती है और इसकी देख रेख भी करती है और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था भी करती है। जब आप मेले में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, पुलिस भी खड़ी होती है, गार्ड भी खड़े होते हैं ताकि कोई बच्चा ना खो जाए, ठीक है, किसी की कोई झूले से गिरकर दुर्घटना ना हो जाए, ठीक है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण व्यवस्था भी की जाती है, ठीक है। तो ये जो मेले और प्रदर्शनी होती है ये भी नगर पालिका ही लगवाती है। यह कार्य नगर पालिका द्वारा ठेके देकर भी करवाया जाता है। जो नगर पालिका होती है वो ठेके देकर भी इस कार्य को कराती है। लोग ठेका दे देते हैं मेले का कि भाई मेले में अब जो ये सारी व्यवस्था है वो एक ही इंसान देखता है फिर, ठीक है, एक ही इंसान के अंदर होता है हर चीज़ देखना कि मेले के अंदर व्यवस्था, बिजली की, प्रकाश की, कहाँ से उनको बिजली मिलेगी, कहाँ कैसे जो है हर टाइम प्रकाश आएगा, तो वो जो सारी व्यवस्था होती है वो वही ठेकेदारी करवाते हैं, ठीक है बच्चों। तो नगर पालिका को धन की आपूर्ति, अब जो नगर पालिका है वो धन की आपूर्ति किस प्रकार करती है अब हम ये जानेंगे। नगर पालिका को उपरोक्त सारे कार्य करने पड़ते हैं जिसमें धन भी खर्च होता है। आइए जानते हैं कि नगर पालिका इस धन का प्रबंध किस प्रकार करती है। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नगर पालिका के क्या क्या कार्य होते हैं, तो नगर पालिका उपरोक्त सारे कार्य करती है और इन कार्यों को करने में भाई पार्क बनवा रही हैं, स्कूल बनवा रही है नगर पालिका, तो इसमें धन भी तो खर्च होता है, तो वो जो धन है वो उसका धन का प्रबंध किस प्रकार करती है नगर पालिका, अब हम ये जानेंगे। नगर पालिका अपने व्यय के लिए जल कर, मतलब कि पानी का कर, जिसे हम बिजली का बिल, वो सॉरी पानी का बिल कहते हैं, विद्युत कर बिजली का बिल, गृह कर जो घर का बिल होता है, पथ कर, पथ कर मतलब होता है रास्ते का बिल, कैसे रास्ते का बिल कैसा होता है, जिससे आप जाते हो बसों से जाते हो ना, बसों से जाते हो, गवर्नमेंट बसों से जाते हो, तो उससे आपको टिकट लेनी पड़ती है जब आप जाते हो, तो वो पथ कर ही कहलाता है, इत्यादि के रूप में वसूलती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए शासन द्वारा भी धन उपलब्ध कराया जाता है। देखिए बच्चों, नगर पालिका को सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार द्वारा भी धन उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार वो सारे कार्य करती है, ठीक है, हमसे जल कर लेती है, मतलब कि पानी का बिल लेती है, बिजली का बिल लेती है, घर का बिल लेती है, ठीक है, पथ कर लेती है, रास्ते का बिल लेती है, तो इन सब से ही वो ये सारे कल्याणकारी कार्य करती है। नगर पालिका और नगर निगम के नियम, देखिए बच्चों, नगर पालिका एवं नगर निगम के लिए कुछ नियम एवं कानून भी हैं। यह नियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं। नगर पालिका एवं निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, ये 5 वर्ष तक कार्य करती है नगर पालिका या फिर निगम। 18 साल से कम आयु का व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, जैसे कि आप देखते हो कि कहीं भी चुनाव होता है तो 18 साल से कम का जो व्यक्ति होता है वो वोट दे सकता है, नहीं दे सकता, या तक कि जब आप चुनाव में जाते हो, वोट देने जाते हो, तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर जाना पड़ता है जिसमें वो आपकी आयु देखते हैं और आपसे वोट डलवाते हैं। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम होती है तो आपको नहीं देने देते वोट। नगर में रहने वाला 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, जो नगर में रहता है व्यक्ति 21 साल से जिसकी आयु ज़्यादा है वो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। प्रत्येक नगर पालिका परिषद या निगम में 1/3 सीट महिलाओं के लिए भी आरक्षित होती है, ठीक है, 1/3 सीट जो है महिलाएं जो है उस पर अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। नगर परिषद का मुखिया नगर अध्यक्ष होता है और नगर निगम का मुखिया महापौर या फिर मेयर होता है,
ठीक है बेटे। नगर पालिका के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। नगर निगम में यह पद नगर आयुक्त का होता है। ये दोनों ही सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए बच्चों, आज हमने ये लेसन पढ़ा, आपको ये लेसन दोबारा रीड कर